तो आज हमने नाश्ते में बनाए थे चावल के आटे के बॉल्स, बहुत ही टेस्टी बने हैं स्टीम करके, और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आएगी, आप उसको ब्रेकफास्ट में या लंच टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो बच्चों को। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं चावल के आटे का बॉल्स एक छोटे से इंट्रो के बाद। चावल का आटे का नाश्ता बनाने के लिए मैंने 2 कप चावल का आटा लिया, ये 250 ग्राम है, और स्वाद अनुसार इसमें डालते हैं नमक। काफ़ी है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। और गूंदने के लिए मैंने लिया गर्म पानी 1 कप के करीब है ये, अभी मैंने थोड़ा ही डाला है, और इसको मिक्स करते हैं इसी के साथ, और इसका एक डो लगाते हैं। जो हमने डो लगाएंगे वो गर्म पानी से लगाएंगे, ठंडे से नहीं लगाना, नहीं तो ये जब आप इसको बनाओगे तो ये सही से बनेगा नहीं, फूलेगा नहीं, तो इसलिए मैं गर्म पानी का यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, एक साथ सारा नहीं डालेंगे, और उसका एक डो लगा लेते हैं फटाफट। बाकी बचा हुआ भी डाल देते पानी। 2 कप में मैंने 1 कप के करीब ही डाला है, ज़रूरत पड़ेगी तो शायद और डाल लेंगे, वरना पड़ना नहीं चाहिए। और उसको हाथ से मैं गूंद लेता हूँ फटाफट। हल्का हल्का गर्म है, थोड़ा सा पानी और डालूंगा, गर्म है काफ़ी। उसका डो लगा लेते हैं फटाफट। चावल के आटे का डो लग चुका है, लेकिन फर्स्ट क्लास ऐसे ही होना चाहिए। और थोड़ा सा ही मैंने 1 कप पानी से थोड़ा सा मैंने, यानी कि 2 टेबलस्पून के करीब और पानी डाल के इसको गूंद लिया था, कि थोड़ा ये आटा ज़्यादा ही था, यानी 250 ग्राम था, 2 कप हो तो 2 कप के हिसाब से, और 200 ग्राम होता तो 1 कप में हो जाता ये। अब नींबू के हिसाब से हम बॉल लेते हैं, उसको रोल करते हैं अच्छे से, कोई क्रैक नहीं हो उसमें, आराम से ये बॉल्स हमारी तैयार हो जाएंगी। ये फर्स्ट क्लास सी हो गई है हमारी, आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से देख सकते हो, मैं इतनी बड़ी बना रहा हूँ बॉल्स सभी। और फटाफट ये नाश्ता तैयार हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। सभी बॉल्स मैं ऐसे ही रेडी कर लेता हूँ फटाफट। सभी बॉल्स हमारी रेडी हो गई है, तो इसको स्टीम करवाने के लिए मैंने ये जाली ली है, लगाते हैं इस पर ऑयल कि हमारे बॉल्स चिपके नहीं। और स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई रख ली है, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर पे भी रख सकते हो, अगर ऐसी जाली नहीं है तो आप, अगर आपके पास आटे छानने वाली लोहे की जाली है तो उस पर भी आप लगा सकते हो। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम रखेंगे कि ये फूलेगी तो आपस में चिपके नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ी दूर पर इसको इनको बिठाते हैं, उनको 10 से 12 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी ये, 12 मिनट के अंदर आप चेक कर लेना, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और फूल जाएगी। चलते गैस की साइड और इसको स्टीम करवाते हैं। स्टीम भी हमारी रेडी हो गई है, और उसको रखते हैं इस पर आराम से, और कवर कर देते हैं, और 12-15 मिनट कम से कम उसको हम स्टीम करवाएंगे। मीडियम फ्लेम कर दिया मैंने, 15 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास हमारी
बॉल्स हो गई हैं, एकदम अंदर से सॉफ्ट है और गर्म भी हैं। तो उसको स्टीम बंद कर देते हैं और उसको निकाल के ठंडा करते हैं। चटनी बनाने के लिए लिया है मैंने अदरक है, दो हरी मिर्चें थोड़ी ही मैंने काट ली है और पुदीना लिया है, थोड़ी सी उसमें इमली डाली है। इसको डालते हैं ग्राइंडिंग जार के अंदर। और ये भुनी हुई मूंगफली ली है मैंने रोस्टेड, ये डाल देते हैं। स्वाद अनुसार इसमें डालते हैं नमक। थोड़ा सा डालते हैं ज़ीरा और इसको हम पीस लेते हैं फटाफट। चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है एकदम बढ़िया सी। मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको पीस लिया था। आपको चटनी पतली या गाढ़ी रखनी है तो आप उसके हिसाब से रख सकते हो। उसको निकाल लेता हूँ मैं बॉल में। एक चटनी को मैंने बॉल में निकाल लिया है। या तो आप इसको ऐसे ही गर्मा गर्म खा सकते हो या इसको तड़के लगाना है तो उसको फिर ठंडा करिए, उसके बाद तड़का लगेगा। मैं तड़का लगा के बनाऊँगा तो थोड़ा ये ठंडा हो जाए, फिर इसको तड़का लगाते हैं। तड़के की तैयारी करते हैं फटाफट। कढ़ाई रखी मैंने, डालते हैं इसमें ऑयल थोड़ा सा। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही ऑयल डाला है जिसमें अच्छी तरह से ये हमारे तड़का बने, गर्म होने देते हैं इसको। तेल हमारा गर्म हो गया था, डालते हैं इसमें थोड़ी सी सरसों, चटकने देते हैं। थोड़े से डाल रहा हूँ मैं सफ़ेद तेल 1/4 हींग है और चॉप करे हुए मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं। आज बिल्कुल हल्की है। और थोड़ी सी डाल रहा हूँ मैं चिली फ्लेक्स। आप चाहो उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाला, मैं वाइट ही रखूँगा उसे। सरसों मेरी चटकने लगी है तो अपने ये बॉल्स इसमें ऐड करते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं इसको। और ऊपर से डाल देते हैं फ्रेश कटा हुआ धनिया खूब सारा। उनको सर्व करते हैं अपनी चटनी के साथ जो हमने बनाई थी। सर्व के लिए रेडी हो गया हमारा चावल के आटे के जो बॉल्स हमने बनाए थे एकदम बढ़िया। आई होप आपको मेरे बनाई हुई रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।